हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम फिर से बात करने वाले हैं कि जो लोगों को आप ठीक करने में लगे हुए हो कि वो ठीक हो जाए, वो मुझे परेशान करता है, वो मुझे परेशान करती है, वो उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया। लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा किस लिए करते हैं? अगर आप इन सब बातों में उलझे रहोगे तो क्या आप पूरी दुनिया को बदल सकते हो? नहीं। आप खुद को तो देखिए, यूनिवर्स हमें सिर्फ एक बात सिखाते हैं कि आप खुद को बदले, पूरी दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। जो आपके आसपास लोग हैं, जो सिचुएशन है, वो आपकी पुरानी सोच का नतीजा है, आपके विचारों का नतीजा है, आपके वाइब्रेशंस का नतीजा है। जैसे ही आप इन चीज़ों को चेंज करते हो, सिचुएशन, बाहर की चीज़ें भी बदलनी शुरू हो जाएंगी। तो हमेशा खुद को बदलें, दूसरों को बदलने की कोशिश ना करें। जैसे ही आप खुद को बदलने पर काम करेंगे, आप देखेंगे बाहरी चीज़ें खुद ब खुद बदलनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए हमेशा अपने आप पर काम करें, यही यूनिवर्स हमें सिखाते हैं। जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराई जाती है तो यही चीज़ें हमें सिखाई जाती है। हमें अपनी ग्रोथ करनी, हमें सेल्फ ग्रोथ करनी, हमें औरों को नहीं बदलना। लोग खुद ब खुद बदल जाएंगे जब हम चेंज होंगे। जब हम बदलेंगे तो लोग खुद ब खुद बदल जाएंगे। आपको उनको बदलने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अपने आप पर काम करें, खुद पर काम करें, अपने अंदर एक पॉजिटिव बदलाव लाएं, अपने अंदर पॉजिटिविटी का संचार करें, अपने अंदर पॉजिटिविटी को लाएं। जैसे ही आप बदलेंगे, आपके वाइब्रेशन पॉजिटिव होंगे, आपके विचार पॉजिटिव होंगे, इससे आपके वाइब्रेशन क्रिएट होंगे पॉजिटिव, वही यूनिवर्स में जाएंगे और वही कई गुना लौट करके आपके पास वापस आ जाएंगे। तो ये सीधा सा फंडा है। थैंक फॉर वॉचिंग।